नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर से लक्ष्मी और ऋषि को बचाने के लिए और पूरे परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि पूरा ओबरॉय परिवार इस समय उन आतंकवादी मुनीस के कब्जे में है, जो कि एक बार फिर से कमांडो अंदर आएंगे और कमांडो आने के बाद में साफ साफ बोलते हुए नजर आने वाले हैं मुनीस और उसके जितने भी गुंडे हैं कि या तो अपने हथियार को डाल दो, नहीं तो हम तुम्हारा ऐसा एनकाउंटर करेंगे कि तुम बचने वालों में से नहीं हो। क्योंकि दोस्तों इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स, तकरीबन 400 आदमी के आसपास में पुलिस फोर्स है और ये जने 8 लोग हैं, तो 8 जने को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि और लक्ष्मी काफी ज्यादा खुश भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय इन लोगों के पास में ऐसा था कि जो कि कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरीके से बचाया जाए, और जो गैंगस्टर मुनीस है उसने पूरी तरीका से बोल दिया कि हम जाते हुए लक्ष्मी और ऋषि दोनों जोड़े को हम मार के जाएंगे, क्योंकि इनको मारना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों लक्ष्मी के लिए मलिष्का खुश हो रही थी कि चलो फाइनली लक्ष्मी को तो ये मुनीस मार देगा तो उसके बाद में ऋषि मेरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ना ही लक्ष्मी और ऋषि को कुछ होगा और बल्कि पकड़े ही जाएंगे। वहीं पे ही बात की जाए मलिष्का की, तो मलिष्का इस समय काफी ज्यादा अपसेट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मलिष्का को जो उम्मीद थी वो उम्मीद बेकार जा चुकी है। मलिष्का को ये उम्मीद थी कि चलो फाइनली अब लक्ष्मी यहाँ से जाने की नहीं है और लक्ष्मी को तो ये गुंडा यानी कि मुनीस मार देगा। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही है कि बाहर जो इंस्पेक्टर SSP पूरा पुलिस प्रशासन है, उसने अंदर आए के सबके साथ में बोल दिया है कि हम मार देंगे अगर तुम आतंकवादियों ने अपने हथियार नीचे को नहीं करे। इसमें फायदा तुम्हारा है कि तुम हथियार नीचे को करो और हमें अपने को हमें हमारे हवाले कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जहां पर ऋषि और लक्ष्मी के प्यार की वाकई में जीत हो चुकी है। साथ ही दोस्तों हाथ जोड़ रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। थैंक यू।